हमेशा सच्चे नहीं होते, लेकिन हम अपने भाग दौड़ वाले जीवन में इस सच्चाई को भूल जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अपने मन में आपने किसी के प्रति पूर्व धारणा बनाई हो, लेकिन बाद में यह धारणा किसी घटना के कारण बदल गई हो? हमारा मस्तिष्क स्वनियंत्रित होता है, जिसकी वजह से हम अक्सर धारणाएं बनाते हैं और विचार हमारे धारणाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लगातार ऐसे अभ्यास की मदद से ही हम अपने मस्तिष्क के स्वनियंत्रित आदत को बदल पाएंगे, जो हमेशा तुलना ही करता रहता है, जैसे यह अच्छा है, वह बुरा है आदि। तो इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। यह अभ्यास पहले वाले से थोड़ा अलग होगा, इसलिए आपको एक आरामदायक स्थिति चुननी होगी। यह स्थिति ऐसी हो जिसमें आप आराम से बैठे हों, आपकी पीठ, गर्दन, सिर सीधे हों। आप अपनी आँखों को बंद कर सकते हैं, या अगर आपको आँख बंद करना ठीक नहीं लग रहा है तो अपने नज़र को आप ज़मीन की ओर रख सकते हैं। अब आप जहाँ भी बैठे हैं उस जगह से होने वाले संपर्क को देखें। वहां आपको क्या संवेदना हो रही है, उसे देखकर नाम देने की कोशिश करें। अब अपने ध्यान को विचारों की ओर ले जाएंगे। इसके लिए आप इस उदाहरण की मदद ले सकते हैं, जैसे कि आप स्टेशन में बैठे हैं और रेलगाड़ी आती जाती रहती है, और हम स्टेशन में बैठकर इसे आता जाता देख रहे हैं बिना इसमें चढ़ने के या इसे रोकने का प्रयास करते हुए। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने विचारों को देखना है। तो मन के एक कोने से अपने पूरे मन को देखने का प्रयास करें। देखें अभी कौन सा विचार आ रहा है, शायद कोई चित्र, कोई संवेदना, भावना। वर्तमान क्षण में जो भी हो रहा है बस उसे देखते जाएं। उसे ना रोकना है ना उनमें उलझना है। आप ये देख पा रहे होंगे कि आपका मन बहुत व्यस्त है, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, या फिर बिल्कुल खाली है।